नमस्कार, मैं हूं सुकृति सलाथिया और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। JKSRTC की योजना ठंडी, महिला बसों को नहीं मिली हरी झंडी, अब मई में परिचालन शुरू करने का दावा। जम्मू कश्मीर में खुनी नाला के पास फंसे 300 से अधिक यात्रियों को किया रेस्क्यू, 7 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। ईद उल फितर से पहले जम्मू कश्मीर बैंक के डिजिटली चैनलों ने गुरुवार को शाम 7 बजे तक 572 करोड़ रुपए के 9 लाख से अधिक लेन देन दर्ज किए हैं। सेना ने खंगाले राजौरी पुंछ के जंगल, आतंकी हमले में केमिकल का प्रयोग करने की आशंका। उड़ी की तरस पर दिया पुंछ में हमले को अंजाम, पहले फायरिंग की उसके बाद दागे ग्रेनेड। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्दी कराने की संभावनाएं और भी कम हो गई हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन की तारीख 10 से बढ़ाकर 27 मई कर दी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।